हेलो एवरीवन, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर वन। द बैलेंस शीट ऑफ संजय एंड संजना एज ऑन 31 मार्च 2012 इज सेट आउट बिलो। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। बैलेंस शीट इज गिवन, कैपिटल, रिजर्व, क्रेडिटर्स, असेट साइड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। दे अग्री टू एडमिट सुमित, योर न्यू पार्टनर, एज अ पार्टनर। इन टू द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। He should bring 24,000 as capital. ये new partner का capital दिया है, and 18,000 as goodwill. यानी कि जो new partner है वो goodwill cash में लाएगा। He should bring बोला है, bring. Bring का मतलब होता है cash. Clearly लिखा है, देखो ये bring. He should bring बोला है, bring का मतलब होता है cash, 24,000 capital है और 18,000 goodwill है, which is to be retained in the business. He will be entitled to 1/4 share in future profit. Furniture को depreciate करने को बोला है, देखो ये furniture को depreciate करने को बोला है। स्टॉक को रिवैल्यू करने को बोला है, देखो ये स्टॉक को रिवैल्यू करने को बोला है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बोला है। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मेट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल, ये आपका बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट में आपका कैश बैंक अकाउंट, कैश रहेगा तो कैश, बैंक रहेगा तो बैंक, और गुडविल अकाउंट। ये वर्किंग नोट में हम प्रिपेयर करते हैं, टू एक्स्ट्रा अकाउंट, और एक वर्किंग के लिए ब्लैंक पेज रहेगा हमारा। हाउ टू स्टार्ट, आपका फर्स्ट स्टेप है बैलेंस शीट ट्रांसफर। देखो ये ओल्ड बैलेंस शीट है क्वेश्चन में है, और आप न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले हो, तो जिसका अकाउंट है ना वो अकाउंट में चला जाएगा, और जिसका अकाउंट नहीं है वो न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा। जैसे कैपिटल का अकाउंट हमारे पास है, रिजर्व भी ऑब्वियसली कैपिटल में आएगा, क्रेडिटर का अकाउंट नहीं है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्डिंग का अकाउंट नहीं है बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर का अकाउंट नहीं है बैलेंस शीट में जाएगा, स्टॉक का अकाउंट नहीं है बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर्स का अकाउंट नहीं है बैलेंस शीट में जाएगा, कैश का अकाउंट है वो कैश में जाएगा। तो ध्यान से, सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम चेक कर लेते हैं हम, फर्स्ट पार्टनर संजय, सेकंड संजना और थर्ड सुमित। दिस इज संजय, संजना, सुमित, सेम या संजय, संजना,
सो कैपिटल बैलेंस कैपिटल बैलेंस चेक करो, संजय का 80,000 है, संजना का 60,000 है। सो क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, संजय का 80,000 और संजना का 60,000। ये हो गया आपका कैपिटल बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट। ये जो जनरल रिजर्व है 48,000 का, ये ओल्ड पार्टनर का रिजर्व है। देखो संजय और संजना ओल्ड पार्टनर का, तो वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:2 आपका ओल्ड रेशियो है। तो 48,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 48,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। ये 48 इंटू 3/5 और इंटू 2/5, तो ये आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 1 5, 5 9 45, 3 कैरी, 5 6 30 और 2 0 इंटू 3 करेंगे, 3 0 0, 3 0 0, 3 6 18, 1 कैरी, 9 3 27 प्लस 1 28 और सेम ये 5 के टेबल में गया तो 9,600 इंटू 2, तो 2 0 0, 2 0 0, 2 6 12, 2 year, 1 carry, 2 9 18 plus 1 19, तो 28,800 और 19,200, ये आपका रिजर्व है 28,800 और 19,200। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व 28,800 और 19,200। तो कैपिटल बैलेंस आ गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व भी लिख दिया हमने, बचा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है 32,000। सो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आएगा यहाँ पे, स्टार्टिंग में हम 5-6 लाइन ब्लैंक रखेंगे कैपिटल के लिए। यहाँ पे लिख देंगे हम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट कंफर्म कर लेते हैं 32,000। ये 32,000 क्रेडिटर। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया, कैपिटल बैलेंस कैपिटल क्रेडिट में, जनरल रिजर्व कैपिटल क्रेडिट में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। असेट साइड देखो बिल्डिंग है 40,000 बिल्डिंग, सो बैलेंस शीट असेट साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पे बिल्डिंग
40,000 लिख दिया, फिर फर्नीचर 20,000 है, लेकिन फर्नीचर पे एक एडजस्टमेंट दे देगा, एडजस्टमेंट बी डेप्रिसिएशन का। तो फर्नीचर जब लिखेंगे ना आप 20,000, तो इनर कॉलम में लिखेंगे, ये आपका फर्नीचर 20,000। फिर स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है 24,000, स्टॉक भी आप इनर कॉलम में लिखेंगे। स्टॉक 24,000, नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो डेटर्स है 80,000, डेटर्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर्स 80,000 जो है वो आउटर कॉलम में आएगा, डेटर्स 80,000। असेट साइड लास्ट आइटम आप देखो, लास्ट आइटम कैश, कैश का अकाउंट है हमारे पास 56,000 कैश बैलेंस, देखो ये कैश बैलेंस, ये कैश अकाउंट है, कैश, ये बैंक नहीं लिखने का, इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000, परफेक्ट। ये हो गया हमारा स्टेप वन, बैलेंस शीट ट्रांसफर, कैपिटल बैलेंस कैपिटल के क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व भी कैपिटल के क्रेडिट में, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो, क्रेडिट और लायबिलिटी, बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट बट इनर कॉलम, स्टॉक असेट इनर कॉलम, एक एक लाइन ब्लैंक रखा है, डेटर्स असेट और कैश, कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका स्टेप वन हो गया। स्टेप टू है ना, स्टेप टू वो आपका एनपीसी है, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट में ना एक एंट्री पास करेंगे एनपीसी का, देखो यहाँ पे ऐसा हेडिंग लिखेंगे एनपीसी, और यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल का, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, चेक करते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल का अमाउंट कितना है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ही शुड ब्रिंग 24,000 कैपिटल और न्यू पार्टनर का नाम सुमित है, तो वर्किंग नोट के पेज में आ जाएंगे, यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट 24,000 टू सुमित कैपिटल अकाउंट, शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ये वर्किंग नोट है हमारा, ये एनपीसी स्टेप नंबर टू हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित कैपिटल। इसका हमको पोस्टिंग करना है अकाउंट में, कैश अकाउंट के डेबिट साइट पे, कैश अकाउंट के डेबिट साइट पे नाम लिखेंगे क्रेडिट का, देखो ये टू सुमित कैपिटल, तो कैश के डेबिट में टू सुमित कैपिटल, कैश के डेबिट में टू सुमित कैपिटल, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे यहाँ पे टू सुमित कैपिटल अकाउंट, आप फुल फॉर्म लिखने का प्लीज, 24,000 इज कैपिटल। तो ये हो गया आपका एक इफेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित कैपिटल। सेकेंड इफेक्ट टू सुमित कैपिटल, मतलब सुमित कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश, सुमित कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे यहाँ पे
बाय कैश अकाउंट, और सुमित के कॉलम में 24,000। सो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर टू, न्यू पार्टनर कैपिटल। स्टेप नंबर थ्री हमारा गुडविल है। देखो ये 18,000 गुडविल भी कैश में लाया, 18,000 गुडविल, 18,000 गुडविल। सो विल गो टू वर्किंग नोट, हम वर्किंग नोट में जाएंगे। यहाँ पे अच्छे से हेडिंग लिखेंगे हम, गुडविल। देखो अंडरलाइन कर दिया। कभी भी गुडविल ब्रॉट इन कैश रहेगा तो वी विल से सीजी गो सैक। गुडविल कभी भी कैश में आएगा तो इट इज सीजी गो सैक। नाउ व्हाट इज सीजी? सीजी, सी फॉर कैश, जी फॉर गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये वर्किंग नोट है, हम शॉर्ट की लिख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये आपका सीजी है। गुडविल का अमाउंट 18,000, एक बार कंफर्म कर लेते बैलेंस एडजस्टमेंट में। गुडविल 18,000, परफेक्ट। यहाँ पे अमाउंट भी लिख दिया मैंने। अच्छा ये हो गया सीजी। गो के लिए इट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर इज संजय कैपिटल और संजना कैपिटल। टू संजय कैपिटल, टू संजना कैपिटल, ये आपका 18,000 का गुडविल। अच्छा कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो। सीजी गो सैक, सैक इज सेक्रीफाइस रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो है ना, याद रखने का एक ऑप्शन है, we should write old ratio, we should find new ratio, फिर old ratio minus new ratio करने का we will get sacrifice ratio। लेकिन मैं आपको एक shortcut दे रहा हूँ, कभी भी अगर question में new ratio is not given, कभी भी question में अगर new ratio is not given, देखो ये question है, देखो He should bring capital goodwill, फिर न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है। न्यू रेशियो मतलब जो तीनों का रहता है, ये तो खाली एक शेयर है न्यू पार्टनर का 1/4, that's all। तो मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, whenever new ratio is not given, sacrifice ratio equal to old ratio। You want, you can find it, आपको same answer मिलेगा। आप new ratio find करो, मैंने आपको सिखाया है how to find it। फिर old ratio में new ratio को minus करो, आपको जो sacrifice ratio मिलेगा, it will be equal to old ratio। तो sacrifice ratio equal to old ratio, old ratio आपका 3:2 है। तो 18,000 को आप 18,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 18,000 को 18,000 वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। 18,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 जब आप करोगे
आपको मिलेगा 10,800 और 18,000 को 2 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको मिलेगा 7,200। तो ये हो गया आपका गुडविल स्टेप नंबर 3। गुडविल ब्रॉट इन कैश, सीजी गोस एट कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 18,000, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। इफेक्ट देखो, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाते हैं, कैश के डेबिट में टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट में टू गुडविल, कैश के डेबिट में क्रेडिट का नाम। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे देखो आ गया मैं, टू गुडविल अकाउंट, एटीन थाउजेंड। ये आपका एक इफेक्ट हो गया कैश के डेबिट साइड पे टू गुडविल। सेकेंड इफेक्ट टू गुडविल, गुडविल के क्रेडिट साइड पे डेबिट का नाम, गुडविल के क्रेडिट साइड पे डेबिट का नाम, गुडविल के क्रेडिट साइड पे डेबिट का नाम। तो बाय कैश अकाउंट 18,000। तो ये हो गया आपका सीजी, कैश डेबिट टू गुडविल। अभी गुडविल के डेबिट साइड पे क्रेडिट का नाम, गुडविल के डेबिट साइड पे टू संजय कैपिटल टू संजना कैपिटल, गुडविल के डेबिट साइड पे टू संजय कैपिटल और संजना कैपिटल। तो हम गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पे आ गए। देखो ये डेबिट में टू संजय कैपिटल अकाउंट 10,800 और टू संजना कैपिटल अकाउंट 7,200। तो गुडविल अकाउंट डेबिट चेक कर लेते हैं हम, गुडविल अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल 10,800, टू संजना कैपिटल, देखो वही किया है। देखो हमने गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पे टू संजय कैपिटल 10,800, टू संजना कैपिटल 7,200। ये आपका एक इफेक्ट हो गया। अभी ये दोनों के क्रेडिट में, संजय और संजना दोनों के कैपिटल के क्रेडिट में डेबिट का नाम बाय गुडविल, संजय कैपिटल क्रेडिट, संजना कैपिटल क्रेडिट, दोनों के क्रेडिट में बाय गुडविल। तो दोनों अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, इधर कैपिटल के क्रेडिट साइड पे बाय गुडविल अकाउंट, ये यहाँ पे 10,800 और यहाँ पे 7,200। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया गुडविल का, सीजी गो टैक, कैश के डेबिट में टू गुडविल, गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश, गुडविल के डेबिट में टू संजय कैपिटल टू संजना कैपिटल और दोनों कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल। स्टेप नंबर 4 इज रीवैल्यूएशन। अब ध्यान से, वॉट इज रीवैल्यूएशन? देखो ये एडजस्टमेंट ए तो हो गया आपका कैपिटल गुडविल वाला, ये फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है और स्टॉक को रीवैल्यू करना है, इसको रीवैल्यूएशन बोलते हैं। दो इफेक्ट देना होगा, वी हैव टू गिव टू इफेक्ट। फर्नीचर को 5% डेप्रिशिएट करने को बोला है,
फर्नीचर को 5% डेप्रिशिएट करने को बोला है। देखो ये फर्नीचर 20,000, यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन 20,000 का, 20,000 का 5% जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो 1,000 आएगा। तो 20,000 में 1,000 माइनस, तो ये हो गया आपका 19,000। तो फर्नीचर को एडजस्टमेंट में लिखा है, फर्नीचर को 5% डेप्रिशिएट करो। आपका फर्नीचर 20,000 है, 20,000 का 5% 1,000 होता है, तो 20,000 में 1,000 माइनस किया, डेप्रिशिएट किया, तो 19,000 आउटर कॉलम। सेकेंड इफेक्ट बेटा, असेट वैल्यू डिक्रीज, असेट वैल्यू डिक्रीज, असेट वैल्यू डिक्रीज, असेट वैल्यू डिक्रीज इज माई लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे टू फर्नीचर अकाउंट 1,000 का ये आपका लॉस। तो ये हो गया आपका फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। फर्नीचर में लेस किया और लॉस, पीएनएल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, डेबिट। सेकंड देखो, स्टॉक को रिवैल्यू करने को बोला है 30,000। आपका स्टॉक अगर आप चेक करोगे असेट साइड पे, देखो 24,000 है, ये 24 अभी इसका मार्केट वैल्यू है 30,000 बोला है। सो 24 का 30 मतलब 6,000 वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एप्रिसिएशन। तो 24,000 प्लस 6 30 होता है, तो स्टॉक वैल्यू इंक्रीज हो गया। 24 का स्टॉक ओल्ड वैल्यू, 30 स्टॉक न्यू वैल्यू, 24,000 ओल्ड वैल्यू, 30,000 न्यू वैल्यू, स्टॉक वैल्यू एप्रिशिएट 6,000, असेट वैल्यू इंक्रीज, प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आएगा बाय स्टॉक अकाउंट। और कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ, 6,000। तो स्टेप वन था आपका बैलेंस शीट ट्रांसफर, स्टेप टू वॉज न्यू पार्टनर कैपिटल, स्टेप थ्री वॉज गुडविल, स्टेप फोर हो गया आपका रिवैल्यूएशन। लास्ट स्टेप क्लोजिंग है, क्लोजिंग। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जो डिफरेंस आएगा, ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी एडमिट हुआ है, और ये जो रिवैल्यूएशन है ये ओल्ड बैलेंस शीट को रिवैल्यू किया है हमने। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर को बैर करना पड़ेगा उनके ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, देखो क्रेडिट साइड 6,000 है, डेबिट साइड 1,000 है, बड़ा अमाउंट दोनों साइड। तो ये 6,000 बड़ा अमाउंट दोनों साइड आ गया। 6,000 में जब आप 1,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको 5,000 का डिफरेंस मिलेगा। ये जो 5,000 का आपको डिफरेंस मिला है ये प्रॉफिट है, बिकॉज क्रेडिट साइड बड़ा है। ये प्रॉफिट हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वी विल राइट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा ओल्ड पार्टनर है, संजय एंड संजना। ओल्ड रेशियो 3:2, 5000 को अगर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इट विल बी 3000 एंड 2000। तो ये आपका फर्स्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। क्रेडिट साइड 6000 बड़ा था तो डेबिट में 5000 का डिफरेंस। जब क्रेडिट साइड बड़ा होता है तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। अब ये प्रॉफिट लॉस का जो डिफरेंस है 5000, ये ट्रांसफर होगा कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे डेबिट में है, 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 तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का 3000 और सेकंड पार्टनर का 2000। नेक्स्ट आप कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे और कैपिटल का जो भी डिफरेंस है वो बैलेंस शीट में जाएगा। अभी आप देखोगे तो तीनों पार्टनर के क्रेडिट में ही कुछ है, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है। एक एक करके संजय के क्रेडिट में देखो 80000 है प्लस 28800 प्लस 10800 और प्लस 3000, तो ये आपको देगा 1,22,600। यहाँ पे भी लिख दिया 1,22,600। डेबिट में कुछ भी नहीं है माइनस करने को, तो यही आपका बैलेंस हो गया 1,22,600। संजना का देखो क्रेडिट साइड 60,000 प्लस 19,200 प्लस 7,200 और प्लस 2,000, तो ये आ रहा है आपका 88,400 आ रहा है क्रेडिट साइड। 60, 19, 200 प्लस 7,200 प्लस 2,000 88,400। इसका भी डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है तो यही आपका बैलेंस रहेगा 88,400 विल बी योर बैलेंस। और सुमित का तो देखो बेटा क्रेडिट में एक ही अमाउंट दिख रहा है 24,000, तो वो सेम 24,000 हम यहाँ पे ले लेंगे और अगेन ये आपका बैलेंस हो गया थर्ड पार्टनर का 24,000। यहाँ पे लिखोगे आप टू बैलेंस कैरिड डाउन और ये जो बैलेंस है ये जाएगा आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। यू विल गो टू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये से अंडरलाइन हो जाएगा और यहाँ पे तीनों का नाम लिखेंगे हम, संजय संजना एंड सुमित। अच्छा तीनों का अमाउंट, संजय का 122,600, संजय का कैपिटल 122,600, संजना का 88,400,
88,400 संजना का और सुमित का 24,000, सुमित का 24,000। ये आपका 24,000 और फिर तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाएंगे 122,600 प्लस 88,400 प्लस 24,000 तो इट गिव्स यू, जब आप ये तीनों का टोटल करोगे 2,35,000, 2,35,000। तो पहला पीएनएल एडजस्टमेंट क्लोज करके उसका प्रॉफिट लॉस कैपिटल में, कैपिटल का बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। अभी जो आपका वर्किंग नोट में आपने कैश अकाउंट ओपन किया है उसका बैलेंस असेट में जाएगा और गुडविल का बैलेंस भी असेट में जाएगा। वर्किंग नोट में जो आपने कैश ओपन किया है 56,000 डेबिट में प्लस 24,000 डेबिट में प्लस 18,000 डेबिट में, सो टोटल कम्स टू 98,000। ये दोनों साइड लिख दिया हमने 98,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो ये 98,000 इज योर बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये 98,000 जो है, ये जो 98,000 है ये जाएगा आपका बैलेंस शीट के असेट साइड पे। यहाँ पे असेट में लिख देंगे कैश 98,000 एंड लास्ट इज योर गुडविल अकाउंट, उसका डिफरेंस भी असेट में जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गुडविल अकाउंट टैली हो रहा है 18,000। अगर गुडविल टैली नहीं हुआ तो गुडविल का बैलेंस, अगर गुडविल टैली नहीं हुआ तो गुडविल का बैलेंस असेट साइड पे जाता है। एंड लास्ट में हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। लायबिलिटी में देखो 2,35,000 कैपिटल है प्लस 32,000 क्रेडिटर्स है, सो लायबिलिटी का टोटल इज 2,67,000। असेट साइड चेक कर लेते हैं 40,000 प्लस 19,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 और प्लस 98,000, तो ये टोटल भी आ रहा है 2,67,000 और आपका बैलेंस शीट टैली। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्ट्रिक्टली स्टेप फॉलो करना है आपको, स्ट्रिक्टली स्टेप फॉलो करना है।